नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। शाहिद उर्फ सोनू इराकी समाजसेवी की गिरफ्तारी पर जिला परिषद सदस्य बड़कागांव पश्चिमी से यास्मीन निशा का जो बयान आया है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आपको बता दें कि यास्मीन निशा ने कहा है कि बड़कागांव निवासी युवा नेता सोनू इराकी को डाड़ीकला पुलिस के द्वारा कांड संख्या 198/23 के तहत जो जेल भेजा गया है उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ और उसे बिना शर्त रिहा किया जाए, ये मैं प्रशासन से मांग करती हूँ। आपको बता दें कि बड़कागांव पश्चिमी जिला परिषद सदस्य यास्मीन निशा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और कहा कि सोनू इराकी हमेशा हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है, उसे गलत तरीके से फंसाया गया है और जेल भेजा गया है। NTPC कंपनी नगड़ी के रैयतों का जमीन बिना मुआवजा और रोजगार दिए छीन रही है और मिट्टी कटाई कर रही थी। सोनू इराकी उसके बचाव में और उन लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए वहां गया था, इसके एवज में उस पर कार्रवाई किया गया है। मैं प्रशासन के पदाधिकारियों से यही कहना चाहती हूं कि बिना शर्त उसे अविलंब रिहा किया जाए, वरना एक बड़ा आंदोलन होगा। आपको बता दूं कि यास्मीन निशा बड़कागांव पश्चिमी क्षेत्र की जो जिला परिषद सदस्य हैं, इन्होंने कंपनी को सीधे तौर पर ये टारगेट किया है कि आप आंदोलन के लिए तैयार रहें, अगर आप समाज सेवी लोगों को अरेस्ट करने लगेंगे, ग्रामीणों के पक्ष में जो खड़ा होगा उसे गिरफ्तार करने लगेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, बहुत बड़े आंदोलन के लिए कंपनी तैयार रहे। इसलिए यास्मीन निशा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सोनू इराकी को बिना शर्त प्रशासन रिहा करे, गलत तरीके से ग्रामीणों को समाज सेवी को फंसा कर जेल भेजने का काम न करे। और इसमें आगे क्या अपडेट होता है मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे चैनल सफर 24 के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।